तो पूरा पेट भर के देना पड़ता है, कोई देते नहीं और देते है बहुत सारा। लेकिन आज जो सिचुएशन चल रहा है, हर दुकान बंद है और लोगों का अंदर दया भाव रहने से भी मजबूर हो जाते हैं। दुकान बंद है तो बिस्किट कहाँ से देंगे। ये टीम HMM की तरफ से आपके लिए कुछ किलो चावल है, मेरे ख्याल से ये 100 किलो आसपास होगा एंड ये आपके लिए चावल है, तो आप इससे डेली आप बनाइए। और आपको और कुछ भी लगता है तो हम रिक्वेस्ट करेंगे हमारी ऑडियंस से, ताकि जितना जिससे बन सके उतना डोनेट करे। तो जी आज हम मिले हैं हमारे नागपुर के मसीहा रंजीत दादा से, जो मसीहा इंसानों के लिए नहीं है पर डॉग्स के लिए जरूर है। मेरा नाम है रंजीत भवतारण नाथ, मैं 58 ईयर्स रनिंग चल रहा है। 58 ईयर्स के हो आप? अच्छा, तो हमने सुना है ऐसा कि आप डॉग्स के लिए फूड बनाते हो डेली। डॉग्स को आप क्या बोलते हो? डॉग्स को मैं बच्चा बोलता हूँ। बच्चा, आपके बच्चे? हाँ, बच्चों के लिए आप डेली फूड बनाते हो? तो ये आप कब से कर रहे हो? ये मैं कर रहा हूँ कम से कम 11 ईयर्स हो गया। पहले मैं बिस्किट देता था। हाँ। अभी हो गया 2.5 साल हो गया बिरयानी का। बिरयानी देते हैं? अच्छा, तो इसमें आपको आपको मोटिवेशन कैसे मिली, आपको मतलब जो डॉग से लगाव कैसे हुआ एक? पहले मैं बिस्किट देता था, उसके बाद प्यार हो गया। हाँ। तो इतना प्यार हो गया जो इंसान से भी ज्यादा। अच्छा, इंसान। उसके बाद मेरा लगाव बढ़ते गया। हाँ। मेरे पास जो भी दक्षिणा आते हैं, दान आते हैं, उसी सिलसिला में मैं खिलाता था और मेरा बरकत होता था। बहुत बढ़िया। और मुझे काफी इसके बारे में मुझे आनंद मिलते हैं, अंदर से एक आनंद उपभोग होता है। बहुत बढ़िया। और आप ये मतलब डेली बनाते हो और कितने बजे निकलते हो आप घर से? यहाँ से 5:30 से 6 बजे निकलता हूँ शाम में। शाम को? और डेली कितने बच्चों को खिलाते हो? मैं 140 से लेके 170 तक। जो दिख गए? हाँ हाँ, दिख गया नहीं, मेरा सब फिक्स बना हुआ है, फिक्स। अच्छा। गाड़ी का आवाज सुनते बराबर जो आ जाते हैं। अच्छा। और नया जो है बच्चे लोग। हाँ। वो आते नहीं, टाइम पास करते हैं बहुत, डरते हैं। अच्छा। हाँ, पहले से शुरुआत किया 2.5 किलो से। अच्छा। आज का स्टेज में 30 किलो 35 किलो का हो जा रहा है। बढ़िया। लोगों का जैसा दान आती है उसी दान के मुताबिक में मेरा पावर इधर बांटते हैं। बरोबर। वरन मैं कभी कभी राशन रहे। हाँ। और मैं आलाली किया और उसी दिन मैं बहुत दुखी हुआ। अच्छा। आज मैं बच्चे को खिला नहीं पाया। हाँ, मेरे लिए इंतजार कर रहा है, बहुत मैं दुखी हो जाता हूँ। अच्छा। खाली जब गाड़ी लेके जाता हूँ तो सब पूरा मेरे सामने आ जाते हैं, फिर उसको समझाता हूँ मैं, बेटा आज बनाया नहीं, दुखी मत हो। अच्छा। तो वो समझ जाते हैं। मैं बिस्किट भी रखता हूँ, बिस्किट देके उसको आनंद दे देता हूँ। अच्छा, मतलब कुछ ना कुछ देते ही है। हाँ, और अगर नहीं दो तो मजा नहीं आता खुद को? नहीं बाबा, बहुत दुख लगते है अंदर से। अच्छा। दर्द इतनी होता है अंदर से, फील होता है जो लग रहा है मैं कितनी बड़ी पाप कर रहा हूँ, मैं जाऊँगा तो जवाब कैसे दूँ मैं। एक दिन इंसान भूखा नहीं रह सकता और बच्चों को कैसे भूखा रख सकता है। अपनी खुद की श्रद्धा से जिसको जो करना है कर सकता है, चावल है। एंड आपको दादा और क्या क्या लगता है चावल के अलावा? चावल के वजह से हल्दी लगते है। हाँ। मटन मसाला और कुछ नहीं बस, और सिलेंडर जो लगते हैं। अच्छा, सिलेंडर। हाँ, लगते। हाँ। ये चीजें आपको बेसिकली लगती है। हाँ। और अगर किसी को जैसे जो नागपुर का नहीं हो, उसको कोई बाहर सिटी से हो, उनको अगर करना है तो आपको कैसे करेंगे? गूगल पे में पेमेंट कर सकते। कर सकते। उसका नंबर बताइए। उसका नंबर 937। हाँ। 4×2 मतलब 2222। हाँ। 024। 024। ठीक है, तो अगर किसी को करना है तो आप गूगल पे कर सकते हैं। आप पहले आपको फोन करके पूछ भी सकते हैं कि कितना क्या है, जो भी चीजें हैं। अच्छा दादा, आपका आपका एड्रेस क्या है? आप नागपुर में कहाँ से बनाते हो ये सब चीजें? नागपुर से अपना त्रिमूर्ति नगर गेडाम लेआउट प्लॉट नंबर 1A। ओके। हाँ, यहाँ से आप पूरा बनाते हो? यार नागोबा मंदिर। ओके। हाँ। तो जी ये चावल रेडी हो रहे हैं, इसको बार बार चलाना पड़ता है बीच बीच में। बार बार ऊपर नीचे करना पड़ता है क्योंकि जगह छोटा है और माल बहुत बड़ा है। ये देख सकते हैं बिरयानी रेडी है गर्मा गर्म, पर इसको हम गर्मा गर्म नहीं देते हैं बच्चों के लिए, इसको ठंडा करना पड़ता है। देख सकते हैं आप कितना मेहनत का काम है दादा का, आसान नहीं है गाइस ये करना, बहुत ही टफ जॉब है। ये देख सकते हैं इन्होंने अपने खुद के घर से ही शुरुआत कर दी है, जैसे ही इन्होंने बनाया घर के पास वाले ही आ गए हैं डॉग्स, इनके बच्चे आ गए हैं खाने। तो गाइस देख सकते हैं आप डॉग्स काफी उतावले हो रहे हैं, जैसे ही उनको पता चल रहा है कि दादा आ रहे हैं। तो गाइस देख सकते हैं आप कैसे डॉग्स इकट्ठे हो गए हैं दादा के पास, दादा उनको सर्व कर रहे हैं। अरे अरे अभी गाय दादा
तो गाइस देख सकते हैं आप दादा के पूरे बच्चे यहाँ पे आ गए, मतलब फिलहाल तो कितने मेरे ख्याल से 7 है, वो 2 नहीं है, हाँ। यहाँ 9 रहते हैं, यहाँ 9 रहते हैं, गोकुलपेट का तरफ 14 रहते हैं। बहुत बढ़िया। और अपना बहुत बढ़िया। एक दिन नागवा मंदिर में बच्चों को बिस्किट खिला रहा था, हाँ जी, अचानक ये साईराम आया, आके मेरे को 2 शब्द पूछा, उसके बाद उनका कंटिन्यू 100-150 किलो चावल हर महीनों में अच्छा लागू हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये सब ऊपर वाला का कृपा है। बहुत बढ़िया। और इतना बड़ा एक जो आपका अभी लॉकडाउन चल रहा है, जी। कितना भूखा है, कितना प्यासा है, दुकान बंद है, एक भी बिस्किट का पूरा नहीं मिलता। बहुत बरोबर। ये बेचारा हमारे लिए अपेक्षा करते है, जैसे मैं अकेले खिला रहा हूँ, उनके नजर में हमेशा हर इंसान ही मुझे खिलाएंगे। ऐसे इंसान को भी ऐसा लगता है, कोई एक कुत्ता काटे तो उनको लगता है मुझे हजारों कुत्ते मेरे को काटेंगे, ऐसा नहीं है। नहीं, तो नहीं। इंसान और कुत्ते में यही फर्क है। तो गाइस ये हमारे रंजीत दादा, और जैसे कि आपने देखा कैसे किस तरह से अपने बच्चों को ये खाना खिलाते हैं डेली। दादा आप मतलब 150 बच्चों को खिलाते हो डेली, अराउंड एवरेज में देखा जाए तो 150 बच्चों को खिलाते हो? हाँ, अभी फिलहाल 160 हो जाते हैं। बढ़िया। हाँ, 160। और आप मतलब सुबह तैयारी शुरू करते हो, बनाते हो, और शाम में निकलते हो, और रात को घर पहुँचते हो? कितने बजे घर पहुँचते हो आप? मैं सुबह 9 बजे से लेके नॉन स्टॉप चालू रहते हैं, आधा एक घंटे के लिए आराम मिलते हैं। हाँ। और वो रात को कभी 12:30 कभी 12 घर पहुँचने के लिए। बरोबर। हाँ, उसके बाद अपना खाना पीना शुरू होता है। 12:30 बजे के बाद आप खाना खाते हैं रात का? हाँ हाँ हाँ। यही विनती करूंगा, कृपया करके बेजवानों का जो सेवा जरूर करे, इनको बोलना ही नहीं आता मुझे भूख लगा प्यास लगा, तो ये दया भाव मानवता का अंदर रखना चाहिए। तो इतना बड़ा लॉकडाउन गया, इनको भूख और प्यास कोई नहीं मिटा पाया, क्योंकि दुकान बंद था तो कैसे देंगे लोग। बरोबर। फिर भी ये धरती में बहुत सारा लोग है जो बच्चों को प्यार करते है, तो लेकिन संख्या में बढ़ाना चाहिए, हर मानव के अंदर दया भाव रखना चाहिए, ये भी एक प्राणी है। बरोबर। स्वामी विवेकानंद का बात हमेशा ध्यान देना बहुत आवश्यक है, जीवे प्रेम करे जे जन सही जन सेविच्छे ईश्वर, इसका मतलब जीव जंतु प्राणी जितना भी है उसको प्रेम करो, आपको मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा दीक्षा भूमि व कोई चार्ज जाने का जरूरत नहीं पड़ेंगे। बरोबर। आप ये प्राणी का सेवा करो, भगवान मेरा इसमें ही पूरा सुन लेगा। हाँ हाँ हाँ, इसमें सब कुछ भगवान है, इसमें भगवान बैठे हुआ है। बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत बढ़िया। शास्त्रों का अनुसार में कहते इनको खंडोबा, ठीक है, और कुछ नहीं। बहुत बढ़िया दादा, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, एंड हम लोग कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग देख सके, एंड जो भी जिसको जितना डोनेट करने की इच्छा हो, चावल हो या कुछ लेके देना हो या अमाउंट करना हो, जो भी है वो आपके। मुझे 3 ही चीज जरूरत पड़ते है। हाँ जी। एक चावल, दूसरा हल्दी, तीसरा छाटन, और चौथा मटन मसाला। मटन मसाला। हाँ, और पांचवा है सिलेंडर। सिलेंडर यही जरूरत पड़ते, मुझे कुछ जरूरत नहीं पड़ता। नहीं, बहुत बढ़िया, हम पूरी कोशिश करेंगे। पहले मैं 2 किलो से शुरू किया। हाँ। आज भगवान का बहुत बड़ी कृपा है, बहुत दान आते है, आज का स्टेज में 35-40 किलो बना रहा हूँ। बहुत बढ़िया। और मुझे तंदुरुस्ती भी आते है। दादा की उम्र गाइस, अगर आपको, अगर आपने नहीं सुना हो तो दादा की उम्र 58 है। हाँ, 58 के हो आप, और चल रहे 58 रनिंग है, और फिर भी इतना सब कुछ अकेले करते हैं, वन मैन आर्मी है हमारे दादा। एंड दादा आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, बहुत तो अच्छा इसी लगा के साथ आप ये काम को कंटिन्यू रखें, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे आपको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट मिले और लोग इससे जुड़े।